नमस्कार बच्चों, नमस्कार पेरेंट्स। आज हम यहां पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं। हाल ही में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, कुछ दिन पहले जेई का रिजल्ट आया था, आने वाले समय में नीट का रिजल्ट आने वाला है और कुछ ही दिनों में जेई एडवांस का रिजल्ट आ रहा है। इस साल जो सीबीएसई का रिजल्ट आया है वो पिछले सालों के कंपेरिजन से 2 या 3% नीचे आया है। मार्क्स, बच्चों का स्कोर कम हुआ है। अब जनरली देखा गया है कि जब बच्चों का स्कोर कम होता है तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। सोसाइटी में हमने देखा है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। दिखाई दे या ना दे पर शामिल जरूर होता है हर खुदकुशी में, दरअसल एक हत्यारा शामिल जरूर होता है। ये जो बच्चे हैं कुछ इस हद तक डिप्रेस हो जाते हैं कि खुद खुदकुशी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आता है कि बच्चों ने खुदकुशी कर ली, मार्क्स नहीं आए। फिर खुदकुशी दरअसल खुदकुशी नहीं होती, एक हत्या होती है। जब कोई एक व्यक्ति हत्या करता है तो हम उसे कहते हैं वो हत्यारा है, लेकिन जब समाज मिलकर मर्डर करती है तो हम उसको कहते हैं खुदकुशी है। एक्चुअल में ये सोशल मर्डर है, खुदकुशी एक सोशल मर्डर है। समाज क्या करती है, एक प्रेशर बनाती है, समाज प्रेशर बनाती है और इसके लिए एजेंट क्रिएट करती है और वो एजेंट्स होते हैं पेरेंट्स। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उतना ही प्रेशर या उससे थोड़ा सा बढ़ाकर प्रेशर बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा जो है इतने प्रेशर को सहन नहीं कर पाता है, और जब बच्चा इतने प्रेशर को सहन नहीं कर पाता है तो वो कुछ इस तरह के कदम उठा लेता है जो खुदकुशी तक उसे ले जाते हैं। तो मेरा हमेशा पेरेंट्स से कहना है कि बच्चों को इतना प्रेशर ना दें, बल्कि आप लोगों को पेरेंट्स को एक ढाल होना चाहिए, एक प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए, एक शील्ड होनी चाहिए बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हमें पेरेंट्स को ध्यान रखना है और बच्चों को ये खुद समझना चाहिए कि बच्चे आप लोग जो है मशीन या रोबोट नहीं है। आप लोग 24 घंटे काम नहीं कर सकते, आपको रोबोट या मशीन बनना भी नहीं है। तो मैं हमेशा से पहले दिन से बच्चों से कहता चला आ रहा हूं कि जो 24 घंटे हैं उस 8 घंटे में आराम करें, 8 घंटे में सोएं, और उसमें से 8 घंटे इतनी पढ़ाई करें, इतनी पढ़ाई करें कि पढ़ते रहें और बचे हुए 8 घंटे में जितना चाहे उतना मौज मस्ती कर लें, तो भी आप डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर जो बनना चाहते हैं बन जाएंगे। थैंक यू।